हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है मॉडर्न टाइम्स के दो सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले पक्षी। इनसे बड़ा आपको एक भी उड़ने वाला पक्षी नहीं मिलेगा। जो है वो सिर्फ दौड़ सकते हैं, एंड ये बाय द वे साइंटिफिकली प्रूवन भी है। लेकिन व्हाट यू माइट नॉट नो इज कि पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा जीव रह चुका है बाय द नेम ऑफ क्वेट्ज़ालकोटलस, जो इनके मुकाबले इतना बड़ा था और उनसे एटलीस्ट 11 गुना भारी था। मतलब जिराफ जितना लंबा और भालू जितना भारी ये पक्षी आसमान में उड़ सकता था। लेकिन आज के तारीख में हमें बताया जाता है कि इनसे बड़े पक्षी उड़ ही नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड वेट। सो तब से लेकर आज तक ऐसे क्या बदलाव हुए कि साइज में बड़े पक्षी उड़ ही नहीं पाते, एंड ऊपर से लाइक आई सेड ये जानवर पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव था जो डायनासोर्स के टाइम पर आसमान को डोमिनेट किया करता था। और इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 66 मिलियन सालों पहले एक मीटियोर क्रैश में ये विलुप्त हो गया। बट देन इन्हीं साइंटिस्टों के हिसाब से मॉडर्न बर्ड्स, जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स लाइक वेलोसिराप्टर्स से इवॉल्व हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये जमीनी डायनासोर्स बच गए और उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सबसे दूर जा सकते थे वो मारे गए और पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। कैसे लैंड डायनासोर्स से आज के मॉडर्न बर्ड्स बने और फ्लाइंग डायनासोर्स की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हो तो आपको एक और एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा। कठिन परिस्थितियों में यूजुअली जीव ऐसे फीचर्स इवॉल्व करते हैं जो उस स्पीशी के सर्वाइवल के लिए एडवांटेजियस हो। अब ऐसे में इतने भारी शरीर के साथ उड़ना तो उस स्पीशी के लिए तो लास्ट ऑप्शन ही होना चाहिए, राइट? अगर इसे अपने शिकारी से बचना था तो ये अपने समय के बाकी डायनासोर्स जैसे ट्राइसेराटॉप्स या सॉरोपॉड्स जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस इवॉल्व कर सकता था। सो इन सबको छोड़कर एवोल्यूशन ने इसमें उड़ने वाला रास्ता ही क्यों चुना, और क्या यही एवोल्यूशन फिर जाकर बना इसके विलुप्त होने की वजह? वेल, इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल साल 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ जियोलॉजिस्ट टेक्सास के बिग बेन नेशनल पार्क में डायनासोरियन फॉसिल्स की खोज कर रहे थे। स्पेसिफिकली ये नेशनल पार्क इसीलिए क्योंकि यहाँ आए दिन डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते रहते हैं, जिसके वजह से इसे बड़े बड़े शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स को ढूंढने का एक हॉटस्पॉट माना जाता है। अब इस जगह जब उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की तब उन्हें अलग अलग डायनासोर्स के 100 से भी ज्यादा हड्डियां मिली। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंत में उन्हें एक ऐसा फॉसिल मिला जिसने उनके डायनासोर्स की अंडरस्टैंडिंग को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में जब वो रिसर्चर्स का ग्रुप वहां पर खुदाई कर रहा था तब उस ग्रुप के एक जियोलॉजी स्टूडेंट डगलस लॉसन को एक फ्रिस्बी जितने बड़े रिस्ट बोन की हड्डी मिली। इसे देखकर उन्होंने इसके आसपास खोदना शुरू कर दिया और उन्हें फिर कई सारी हड्डियां मिली जो इस बोन से जुड़ रही थी। लेकिन आखिर ये जानवर क्या था, इसे समझने के लिए वो हड्डियों को यूनिवर्सिटी लेकर गए। यूनिवर्सिटी जाकर जब उन्होंने हड्डियों को जोड़कर इस जानवर को कंप्यूटर पर रिकंस्ट्रक्ट किया तब उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये रिस्ट बोन किसी साधारण से डायनासोर की रिस्ट बोन नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे डायनासोर की रिस्ट बोन थी जिसके हाथों का शेप एक चमगादड़ के पंखों जैसा था। लेकिन ये चमगादड़ अपेरेंटली साइज में इतना बड़ा था कि अपने पंखों के नीचे एक पूरी पीली स्कूल बस को छुपा ले, और अगर उसके वजन की बात करें तो एक फुल साइज भालू जितना भारी था। यानी कि अगर ये सारे फाइंडिंग सही थे तो डगलस को जो फॉसिल मिला था वो अब तक के सबसे बड़े फ्लाइंग एनिमल का फॉसिल था, जिसे उन्होंने फिर नाम दिया क्वेट्ज़ालकोटलस नॉर्थरोपी। बट होल्ड ऑन, क्या आपने इनके रिजल्ट में एक प्रॉब्लम नोटिस की? इतना भारी होने के बावजूद भी डगलस के अनुसार ये उड़ सकता था, आखिर कैसे भाई? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर इस डायनासोर से साइज में 4 गुना छोटा और वजन में करीब 10 गुना हल्का है, और उससे बड़े बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एग्जैक्टली अपने वजन की ही वजह से उड़ नहीं सकते। तो क्या क्वेट्ज़ालकोटलस अपने भारी शरीर के साथ उड़ भी सकता था? वेल, इसके पीछे के रीजंस काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो समझने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। कंपनीज लाइक पेटीएम, नो ब्रोकर और फर्स्ट क्राई हायरिंग कर रही है, और आपको यहाँ पे अपने स्किल्स के दम पर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा जिसमें आपका प्रोफाइल डायरेक्टली रिक्रूटर्स के पास जाएगा। नाउ दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पहले तो ये कंपनीज के सैलरीज 5 से 7 LPA तक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी बात, अक्सर पेटीएम जैसे कंपनीज में इंटरव्यू तक पहुंचना ही काफी मुश्किल होता है। लेकिन डोंट वरी, अब नेक्स्ट लेवल ने इस पूरे प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो, आपको पहले तो अपने जॉब रोल को चूज करना है। यहाँ पर सेल्स एंड टेक के काफी सारे जॉब्स हैं। सेल्स में स्पेशली यू हैव सेल्स एसोसिएट, इनसाइड सेल्स स्पेशलिस्ट, जूनियर RM ट्रेनी। इन जॉब्स के लिए आप नेक्स्ट लेवल पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक AI आपका इंटरव्यू लेगा।
Yes, एक AI. Remember, आपको अपना इंटरव्यू अच्छे से देना है, showcasing your skills. And you will be shortlisted in no time and you'll hear back from the recruiter. If you don't hear back, you'll get recommended to others. It's that simple. इसके अलावा नेक्स्ट लेवल के वीकली कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके प्राइजेस भी जीत सकते हो. One plus Amazon Kindle और Amazon vouchers. There are over 1000 plus jobs for you to explore. So अगर आप एक fresher हो या working professional, do check out Next Level app. मैंने नीचे description में link डाल दिया है. And now let's jump back to the topic. हम बात कर रहे थे कि क्या Quetzalcoatlus वाकई में अपने इतने बड़े साइज और वजन के साथ उड़ भी सकता था क्या? Well, ये सवाल काफी सारे साइंटिस्टों को खल रहा था और इसीलिए उन्होंने इस डायनासोर पर अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू की. अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण इस डायनासोर का फॉसिल अगले ऑलमोस्ट 17 सालों के लिए बस एक मिस्ट्री बनकर रह गया. Until 1984. साल 1984 में जैसे ही हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, सभी साइंटिस्ट अपने तरफ से इस Quetzalcoatlus के मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गए. उनमें से एक एविएशन इंजीनियर पॉल मैक्रीडी ने Quetzalcoatlus उड़ता है या नहीं इसे प्रूफ करने के लिए एक मॉडल भी बनाया. इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पेलियंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और एरोडायनामिक्स जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया और फिर इन एक्सपर्ट्स की मदद से Quetzalcoatlus का एक पूरा फॉसिल बनाया और फिर इसके साइज और वजन का ज्यादा एक्यूरेट अनुमान लगाकर कुछ इस तरह का एक मॉडल बनाया और उसे टेस्ट किया. अब उस टेस्ट के जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो कुछ ऐसे थे जो सभी के कॉमन सेंस को चैलेंज कर रहे थे. दरअसल उन्होंने देखा हर एक उड़ने वाले जीव में, और फिर चाहे वो एक कीड़ा हो या एक पक्षी, उनमें एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें उड़ते वक्त स्टेबिलिटी देता है. यही वजह है कि हमारे मॉडर्न एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में भी आपको ऐसे पीछे स्टेबलाइजर्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर इस जीव में तो था ही नहीं. अब ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनकी खुद की फ्लाइंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, और इसीलिए ऐसे अगर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग वाले डेटा को कंप्यूटर मॉडल में फीड किया जाएगा तो वो ठीक से वर्क नहीं करेगा. सो क्यों ना एक काम किया जाए अभी ही, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा लाइव रिमोट कंट्रोल्ड Quetzalcoatlus बनाया. अब इस रिमोट कंट्रोल मॉडल पर किए एक्सपेरिमेंट्स में यह पता चला कि यह मॉडल सिर्फ तभी उड़ सकता था जब इसका सर फ्लाइट में ऐसे साइडवेज मूव करके स्टेबिलिटी दे. यानी कि बेसिकली आइडियली जो उड़ने वाले जीवों में पूंछ जो काम करता है ना, वो Quetzalcoatlus के केस में पोटेंशियली उसका गर्दन करता था. अब इस मॉडल से पोटेंशियली एक बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब बारी आई दूसरे बड़े प्रॉब्लम की जो उन्होंने इस फर्स्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते वक्त आइडेंटिफाई किया था. दरअसल जब पॉल का स्मॉल साइज मॉडल उड़ने में सक्सेसफुल हुआ और उन्हें श्योरिटी मिली कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले जीव भी उड़ सकते हैं, तो ऐसे जीव किस लिमिट तक बड़े होकर हवा में उड़ सकते हैं इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने Quetzalcoatlus का एक इंसान जितना भारी एक नया वाला रिमोट कंट्रोल्ड मॉडल बनाया. इसमें उसकी हड्डियों के लिए उसने स्टील से भी मजबूत कार्बन फाइबर का यूज किया और इसके पंखों के जगह पर एक रबर जितनी पतली चादर ली गई, और फाइनली पॉल ने इस पर सर लगाकर इसे टेस्ट किया. बेसिकली उन्होंने इसे एक ट्रॉली पर फिट किया और जैसे ही ट्रॉली ने इसे एक तेज मोमेंटम दिया, वो ऐसे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लग गया. यानी कि इस टेस्ट के बाद पॉल को अंदाजा लग गया था कि अगर एक इंसान जितना भारी मॉडल, जो ऑलरेडी करंट बर्ड की लिमिट से ज्यादा भारी था, वो उड़ सकता था, तो Quetzalcoatlus भी उड़ सकता ही होगा. जस्ट दैट देयर वाज स्टिल अ प्रॉब्लम. एक पेलियंटोलॉजिस्ट केविन पेडियन ने पॉल के इस मॉडल में एक लूपहोल निकाला, जिस लूपहोल को पॉल को शायद पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था. बट एनीवे, केविन के अनुसार पॉल से दो गलतियां हुई थी. पहली, पॉल ने अपने इंसानों जितने भारी हाफ साइज मॉडल की मदद से ये डायरेक्टली एक्सट्रैपोलेट कर दिया कि भालू जितना भारी Quetzalcoatlus भी उड़ सकता था, जबकि एक इंसान और भालू के वजन में 150 किलो का फर्क होता है, तो इतना जल्दी जंपिंग द गन्स नहीं किया जा सकता. और दूसरी बात, उन्होंने अपने मॉडल को किसी प्लेन की तरह व्हील्स वाली ट्रॉली से लॉन्च किया था, जबकि कोई भी जीव उड़ सकता है या नहीं इसके लिए वो लॉन्च कैसे होता है, यानी कि टेक ऑफ कैसे करता है, ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है. उन्होंने नोटिस किया कि उसके पैर काफी छोटे थे और उसके पंख जमीन को टच करते थे. ऐसे में अगर वो उड़ने के लिए अपने विंग्स खोलता तो अपने मुंह के बल गिरता. तो ऐसे में ही स्टार्टेड थिंकिंग रियली हार्ड. उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ वो इनिशियल उछाल के लिए पैरों पर नहीं बल्कि लॉन्चिंग की टेक्निक पर डिपेंडेंट हो, और इसीलिए उन्होंने Quetzalcoatlus के कंप्यूटर मॉडल को अलग अलग जंपिंग टेक्निक्स के जरिए एक उछाल देने की कोशिश की. एंड फाइनली एक टेक्निक काम कर गई.
उन्होंने देखा कि अगर क्वेट्ज़लकोटलस इस तरह से लिफ्ट ऑफ करेगा तो यस इट कुड इंडीड फ्लाई, बट यहाँ पर आप देख सकते हो इतने बड़े शरीर के साथ उड़ना कितना इम्प्रैक्टिकल था, क्योंकि यहाँ पर इस प्रजाति को सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि टेक्निक भी इवॉल्व करनी पड़ी। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतने भारी होकर भी और इतनी मशक्कत करके भी इस प्रजाति ने अपने आप को उड़ने के लिए इवॉल्व ही क्यों किया। वेल, इसे समझने के लिए हमें 240 मिलियन साल पीछे जाना होगा, जब ये जीव जंगलों में उड़ा नहीं बल्कि दौड़ा करते थे। दरअसल साइंटिस्टों को लगता है कि आज से 240 मिलियन साल पहले ऐसे चूहे जितने छोटे रेप्टाइल्स से क्वेट्ज़लकोटलस इनिशियली इवॉल्व हुए थे, क्योंकि जब नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड के रिसर्चर डेविड फॉफा ने इनके फॉसिल्स के सीटी स्कैंस लिए तब ही फाउंड कि इसका अपर जॉ और थाई बोन उड़ने वाले डायनासोर से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, दो पैरों पर दौड़कर इंसेक्ट्स खाने वाले रेप्टाइल से उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे, लेकिन ये जमीनी रेप्टाइल्स उड़ने वाले डायनासोर्स में एग्जैक्टली कैसे इवॉल्व हुए इसका जवाब आज तक भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों को इनके और उड़ने वाले डायनासोर्स के बीच के एनिमल्स का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला है। बट फिर भी साइंटिस्टों के पास इनके एवोल्यूशन को लेकर एक थियरी है। इस थियरी के मुताबिक ये रेप्टाइल्स शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों में रहने लगे, वहां पर वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर इंसेक्ट्स खाते थे। इस पॉइंट पर एवोल्यूशन के नजरिए से उनके पास एक ऐसा पतला मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होना ज्यादा यूजफुल था, क्योंकि इससे वो आसानी से पेड़ों के बीच ग्लाइड कर सकते थे। यानी कि अगर वो ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन इवॉल्व कर लेते तो एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से वो फूड चेन में एक हायर हायरार्की पर पहुंच जाते। एंड दिस इज जस्ट हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। वो किसी भी स्पीशीज में ऐसा ही रास्ता चुनता है जो उस स्पीशीज को करंट कंडीशन से ज्यादा एडवांटेजियस एक हायर पीक पर लेकर जाए, और इसीलिए चूहे जितने छोटे ये दौड़ने वाले रेप्टाइल्स ऐसे ग्लाइड करने वाले रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। लेकिन इनके मेम्ब्रेन्स में अभी एक प्रॉब्लम थी। इस मेम्ब्रेन्स के जरिए वो ग्लाइड करके सिर्फ छोटे-छोटे डिस्टेंसेस ही कवर कर सकते थे, लेकिन अगर किसी भी तरह ये हवा में उड़ पाते तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें बाकी जीवों से ज्यादा खाना बटोरने का एडवांटेज मिलता, और साथ ही वो एक ऐसा समय था जब बर्ड्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। सो काश किसी तरह अगर ये उड़ पाते तो आसमान में इन्हें चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। इनफैक्ट वहां पर ये अपने शिकारियों से भी बच पाते। सो इन ऑल केसेस इन ग्लाइडिंग रेप्टाइल्स के लिए उड़ना वाज अ विन-विन सिचुएशन, और इसी वजह से इनमें से कुछ ने अपने बोन्स को खोखला किया और अपने मेम्ब्रेन्स को पंखों में इवॉल्व किया, और इन्हीं चेंजेस के चलते 120 मिलियन साल पहले इन रेप्टाइल से ऐसे छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए। अब क्योंकि आसमान में इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, ये धीरे धीरे करके साइज में बड़े होने लगे। एंड फाइनली एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये शिकार से शिकारी में ही बदल गए। दिस इज हाउ क्वेट्ज़लकोटलस जैसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर्स इवॉल्व हुए। एक जीव कितना बड़ा होगा और किस में इवॉल्व होगा ये उसके खुद के शरीर पर नहीं बल्कि उस समय बाकी जानवर क्या कर रहे थे, प्रकृति और वातावरण कैसा था इस पर डिपेंडेंट था, और इसीलिए इतने भारी होने के बावजूद भी क्वेट्ज़लकोटलस उड़ने के लिए इवॉल्व हुए। भले ही ये उनके लिए भी एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट था, बट स्टिल दैट वाज गिविंग देम सर्वाइवल बेनिफिट्स, और इसी वजह से अपने समय में वो एवोल्यूशन के पीक पर थे। बट हैविंग सेड दैट, नाउ जस्ट वेट एंड थिंक, अगर वो एवोल्यूशन के पीक पर थे तो सडनली ऐसे कैसे हो गया कि उनमें से एक भी नहीं बचा? क्यों आज वेलोसिराप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं है? अब कई लोग इसका एक सिली आंसर देते हैं कि 66 मिलियन साल पहले वो बाकी डायनासोर्स के साथ मारे गए, एंड इवन आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट रीकैप कि 66 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस समय चिक्सुलब एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने की वजह से पूरे पृथ्वी पर हर जगह तबाही का मंजर था। जगह जगह भूकंप और बाढ़ आ रही थी जिसका सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स पर। येट साइंटिफिक अमेरिकन के इस रिसर्च के अनुसार सभी बर्ड्स जमीन पर रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि चिक्सुलब के बाद भी कुछ जमीनी डायनासोर्स जिंदा बच गए थे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तभी तो आगे जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होंगे ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब एस्ट्रॉइड टकराया वहां पर जमीन के कुछ डायनासोर्स बच गए, लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सबसे आराम से दूर जा सकते थे वो मारे गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन, उन उड़ने वाले डायनासोर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? वेल,
वीडियो पॉज करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो और मैं आपको एक वाइडली एक्सेप्टेड आर्गुमेंट बताता हूँ। सो उड़ने वाले डायनासोर्स इसीलिए मरे क्योंकि चिक्सुलब जमीन पर गिरा था। असल में इसके जमीन पर गिरने की वजह से धरती तपने लगी और उसके अंदर मौजूद गर्म लावा वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में बाहर आने लगा। इसके चलते पूरी पृथ्वी पर वोल्केनो से निकले सल्फर जैसे जहरीले गैसेस फैल गए और इनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ डायनासोर्स पानी में कूद गए। लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स पानी में नहीं कूद सकते थे क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए डिजाइन थी, तैरने के लिए नहीं। और जैसे कि हमने देखा, ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़े थे और इसीलिए वो वेलोसिराप्टर जैसे छोटे डायनासोर्स की तरह कहीं तुरंत शेल्टर नहीं ले पाए। इनफैक्ट यही वजह है कि हमें किसी भी बड़े डायनासोर के जीन्स करंट एनिमल्स में नहीं मिलते। यानी कि एक तरह से चिक्सुलब एस्टेरॉयड एकमात्र एक ऐसा फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवरों को पृथ्वी से फिल्टर आउट कर दिया। बिसाइड्स आप देख सकते हो कि चिक्सुलब एक्सटिंक्शन से जो भी जीव बचे लाइक टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इवन डायनासोर्स लाइक वेलोसिराप्टर्स, ये सभी साइज में छोटे थे क्योंकि छोटे होने का एडवांटेज ये होता है कि वो बड़े जीवों के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज में ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे वो ज्यादा तेजी से अपने नंबर्स को बढ़ा सकते थे और एवोल्यूशन ने उस समय में इस खूबी को सपोर्ट किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कह रहे हैं कि क्वेट्ज़लकोटलस एपेक्स प्रेडेटर थे जबकि बाय दैट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन और भी कई उड़ने वाले जीव इवॉल्व हो चुके थे, तो ऑब्वियस सी चीज है उनका जो फ्लाइंग स्ट्रक्चर था वो एक एवोल्यूशनरी मार्वल था। सो आखिर क्या वजह है कि जब मॉडर्न बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे तब वेलोसिराप्टर्स जैसे जीवों ने क्वेट्ज़लकोटलस का स्ट्रक्चर नहीं अपनाया? क्यों उन्होंने क्वेट्ज़लकोटलस से एकदम ही अलग फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए? अब इस पर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि शायद क्वेट्ज़लकोटलस के समय में वो खुद पहला नॉन इंसेक्ट जीव था जो उड़ सकता था और इसीलिए वो एवोल्यूशनरी मार्वल होने के बावजूद भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। क्योंकि देखो, वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जो फाइटर प्लेन्स थे वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने लिटरली वॉर्स जिताए। लेकिन मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज वो उस वक्त केपेबल थे और उस वक्त के एपेक्स प्लेन्स थे, क्या इसीलिए आज के मॉडर्न प्लेन्स उसी सेम डिजाइन पर बनाएंगे हम? ऑब्वियसली नॉट, राइट? क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर करते करते अब समझ गए हैं कि उससे भी बेहतर डिजाइन्स बन सकते हैं। आई थिंक यही हुआ क्वेट्ज़लकोटलस के साथ भी। क्वेट्ज़लकोटलस इज दैट ओल्ड वर्ल्ड वॉर टू का प्लेन। आज के मॉडर्न बर्ड्स है मॉडर्न फाइटर जेट्स और एवोल्यूशन है वो जज जिसने मॉडर्न बर्ड में वो एक्स फैक्टर नोटिस किया एंड दिस इज व्हाई आज हमें इन जैसे जीव देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट इसी तरह अलग अलग एनवायरमेंट्स में भी एवोल्यूशन इस एक्स फैक्टर को चूज करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम डीप सी की बात करें तो डीप सी में जितने भी जीव हैं उनमें और उनके शैलो वाटर कजिन्स में जमीन आसमान का फर्क है। प्रकृति ने उन्हें डीप सी में रहने के लिए इस हद तक इवॉल्व करवा लिया कि वो लिटरली स्कैरी और वियर्ड दिखने लगे हैं। तो क्या इसका मतलब डीप सी में स्कैरीनेस और वियर्डनेस एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है? वेल, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसे आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों डीप सी के क्रीचर्स वियर्ड और स्कैरी दिखते हैं एंड यस, क्यों वो विशाल काय भी होते हैं। सो क्लिक ओवर हियर एंड चेक दैट आउट। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट कंपनीज लाइक पेटीएम, नो ब्रोकर, फर्स्ट क्राई में आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो थ्रू नेक्स्ट लेवल ऐप। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहां पर देखने मिलेंगे। See you next time. Till then, take care. Jai Hind.